जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद हैं तेरे। बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद हैं तेरे और आज ये दो विषय मैं आपके सामने लाया हूं। पहली तस्वीर झारखंड विधानसभा की ठीक बाहर की, जहां मंत्री सीपी सिंह कांग्रेस की विधायक इरफान अंसारी पर दबाव डाल रहे हैं जय श्री राम बोलने का। और दूसरी तस्वीर आपको याद होगा किस तरह से चार दर्जन बुद्धिजीवियों और फिल्म मेकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था और खत में लिखा था कि किस तरह से जय श्री राम एक युद्धोन्माद की तरह, एक वॉर क्राई की तरह लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अब इसके जवाब में प्रसून जोशी, कंगना रनावत, सोनल मानसिंह, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों ने एक और जवाब दिया और 62 लोगों की फहरिस्त है। कहा जा रहा है कि साहब इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को टारगेट करना है। ये दो विषय हैं और ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़ गए हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इरफान अंसारी और सीपी सिंह की। कल्पना कीजिए कि अगर झारखंड में मंत्री, कैबिनेट मंत्री सीपी सिंह ने कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी से यही बात, जय श्री राम बोलने की बात, अगर विधानसभा के बाहर नहीं किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में कही होती तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इरफान अंसारी के साथ क्या हुआ होता? सबसे पहले मैं आप चाहता हूं ये वीडियो देखें और फिर हम इस वीडियो का एनालिसिस करते हैं, इसकी बारीकियों पर निगाह डालते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई इरफान भाई एक बार जोर से लगाए जय, एक बार जोर से लगाए, बोलिए एक बार, हाँ बोलिए, देखिए ऐसा ऐसा जय श्री राम, बस हो गया, मेरी बात सुनिए, हो गया काम। श्रद्धा राम का मतलब डराने के लिए ना, आपको डराने के लिए नहीं भाई, डरा नहीं सकते। तेरे पूर्वज भी जय श्री राम वाले के गुलाम, आप जय श्री राम के, राम का नाम बदनाम मत कीजिए आप लोग। के पूर्वज भी जय श्री राम के थे, सबके है राम। आपके पूर्वज बाबर नहीं थे। काम चाहिए, रोजगार चाहिए, काम चाहिए। आपके पूर्वज शहर में नाली चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए। मान गए, आपके पूर्वज बाबर नहीं थे, आपके पूर्वज तैमूर लंग नहीं थे। आप किस हाल में है, कभी देखने गए आप लोग? गोरी अयोध्या में जाइए, किस हाल में राम है देखे आप लोग? गोरी गजरी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। देखिए अयोध्या में जय श्री राम, अयोध्या में जाके देखिए किस हाल में राम है। आपके पूर्वज भी जय श्री राम थे, आपके पूर्वज तैमूर लंग नहीं थे, गोरी और गजनी नहीं। देखा आपने? देखिए मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने मुद्दों से भटकने नहीं दिया कैबिनेट मंत्री सीपी सिंह को। वो लगातार बोलते रहे, नंबर एक इकोनॉमी की बात कीजिए, अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, सड़क और नाली की बात कीजिए, जिसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे कैबिनेट मंत्री सीपी सिंह। सीपी सिंह कोई छुटभैया नेता नहीं है, मंत्री हैं, जवाबदेही है, विकास को लेकर इनकी जवाबदेही है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे। दूसरी बात इरफान अंसारी ने क्या कहा? इरफान अंसारी ने कहा कि जाइए अयोध्या में और बताइए कि रामलला की इतनी बुरी हालत क्यों है, क्योंकि मैं भी धार्मिक हूं, मैं भी जानता हूं कि मेरे राम के नाम पर लोग किस तरह की सियासत कर रहे हैं। इसका भी कोई जवाब नहीं था। देखिए अगर तो सीपी सिंह और इरफान अंसारी के बीच एक सार्थक संवाद हो रहा होता ना दोस्तों, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। यह वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि जय श्री राम के नाम पर एक हिंदू राजनेता, एक मुसलमान राजनेता जो कि चुनकर आया है, उसे बरगला रहे थे, उसे धमका रहे थे, उसकी तौहीन कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं सड़क पर चलने वाले एक आम गरीब मुसलमान दलित पिछड़े वर्ग की व्यक्ति की क्या बिसात, उसकी क्या औकात। दोस्तों आज की तारीख में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि झारखंड अपने आप में एक मॉडल हो गया है कि मॉब लिंचिंग पर और जय श्री राम के नाम पर किस तरह की हिंसा का प्रसार हो रहा है लोगों में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 से लेकर 2019 तक, खुद वहां की राज्य पुलिस का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, 2016 से लेकर 2017 तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये नाम सिर्फ और ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं दोस्तों, इन आंकड़ों के नाम भी हैं। 2016 में मजलूम अंसारी
इम्तियाज खान, शेख हलीम, सिराज खान, मोहम्मद सज्जाद, शेख नईम, गौरव वर्मा, विकास वर्मा, गणेश गुप्ता, रामचंद्र देवी, अलीमुद्दीन अंसारी, रमेश मिंज, ये हैं वो मौतों का आंकड़ा जो 2016 और 2017 में हुआ था। अब हम रुख करते हैं 2018 का। यहां पर चिरागुद्दीन, मुर्तजा अंसारी, बाबू मुसहर, ये हैं 2018 के आंकड़े। अब रुख करते हैं 2019 का। वकील खान, प्रकाश लकड़ा और हाल ही में तबरेज अंसारी। ये हो रहा है जय श्री राम के नाम पर, ये हो रहा है गौरक्षा के नाम पर, और यही मुद्दा अनुराग कश्यप, श्याम बेनेगल, कोंकणा सेन शर्मा और अपर्णा सेन शर्मा जैसे लोगों ने अपनी बात रखी थी उस खत में जिसमें प्रधानमंत्री से अपील की गई थी। दोस्तों, उस लेटर में प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं किया गया था, प्रधानमंत्री से सिर्फ अपील की गई थी कि आपको यह देखना होगा कि हालात क्या होते जा रहे हैं। मगर इसके जवाब में जब 62 लोगों की पूरी फौज आई और इसका जवाब दिया, तो उन्होंने मामले में प्रधानमंत्री को घेर लिया। क्योंकि देखिए, 48 लोगों की वो सूची जिसमें अनुराग कश्यप भी हैं, श्याम बेनेगल भी हैं, अडूर गोपाल कृष्णन भी हैं, ये जब ये बातें रख रहे थे तो वो सिर्फ अपील कर रहे थे, क्योंकि मैं एक नागरिक हूं, मुझे अधिकार है कि मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करूं। मगर ये 62 लोग, जिनमें कई चाटुकार भरे पड़े हैं सरकार के, इन लोगों ने पहली बात तो प्रधानमंत्री को घेर लिया। दूसरी बात, ये बात करने लगे कि साहब, ये लोग कभी जो हिंदू लिंच होता है उसकी बात नहीं करते, या कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करते। अरे साहब, अगर कश्मीरी पंडितों की बात आप कर रहे हैं तो मुझे बताइए ना, पिछले 6 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? बीजेपी सरकार ने तो उस पार्टी का दामन थाम लिया था जिसका नाम पीडीपी है, और वो पीडीपी जो कि कश्मीर में स्वायत्तता की बात करते हैं, जिसमें ऐसे कई नेता हैं जिनकी सोच सेपरेटिस्ट है, पृथकतावादी है। तो बीजेपी ने क्या किया कश्मीरी पंडितों में जो तुम दोष मढ़ रहे हो इन 48 लोगों पर? और ये कौन है, ये कौन है दोस्तों? सबसे पहले सीबीएफसी के चेयरमैन प्रसून जोशी, यानी कि सरकार के रहमो करम पर आप सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। और प्रसून जोशी की अगर आपको हकीकत समझनी है तो आप उनके इस इंटरव्यू की बस एक पंक्ति देख लीजिए, इनका फकीरी वाला इंटरव्यू देखिए। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में, ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? मुझे लगता है प्रसून जोशी को ना अपनी वो फिल्म दोबारा देखना चाहिए जिसका नाम रंग दे बसंती था। दोस्तों, रंग दे बसंती फिल्म में एक उसकी कहानी थी कि किस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह से हमारे सैनिकों को का सरकार इस्तेमाल तो करती है, मगर जब उनकी असली भलाई का समय आता है सरकार अपने कदम पीछे खींच लेती है। इस फिल्म का दूसरा पहलू यह था कि किस तरह से हिंदुत्ववादी नेता युवाओं को का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म से जुड़े थे प्रसून जोशी बतौर लेखक, बतौर लिरिसिस्ट, और आज ये इस सरकार की फुल ऑन चाटुकारिता करते हैं। दोस्तों, इनका कोई लेना देना नहीं है बीजेपी की विचारधारा से। अगर ऐसा होता तो प्रसून जोशी जो हैं वो रंग दे बसंती जैसी फिल्म नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। अब बात करते हैं कंगना रणावत की। बेहतरीन अभिनेत्री हैं, मेरी पसंदीदा हैं, मगर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि हाल ही में जब एक पत्रकार ने इनसे सवाल किया था तो किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया था और इनकी बहन रंगोली ने किया था। इनके जहन में जिस तरह का अहंकार आ गया है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और रही बात विवेक अग्निहोत्री की, तो इनकी फिल्में कैसे बन रही हैं ये तो आपको भी पता है, और अशोक पंडित भूल ही जाइए। तो मैं जो आपसे बता रहा हूं दोस्तों, ये लोग जो बातें कर रहे हैं ना, इसमें कई दिक्कतें हैं, वो मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं। जो खत अनुराग कश्यप, कोंकणा सेन शर्मा, अपर्णा सेन या श्याम बेनेगल ने लिखा था, जो बात उन्होंने कही थी वो साबित हो रही है इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो हमने आपको वीडियो दिखाया। सोचिए, अगर इरफान अंसारी से यही बात
झारखंड के कैबिनेट मंत्री सीपी सिंह ने एक भीड़भाड़ भरे इलाके में कही होती, तब इरफान अंसारी की क्या हालत होती और इसी राज्य के तबरेज अंसारी का क्या की क्या हालत हुई थी, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोनों अंसारी थे, एक बच गए क्योंकि वो विधायक थे, मगर उन दोनों अंसारियों के साथ क्या हो रहा था, एक तरफ भीड़ उनके साथ ऐसा कर रही थी और एक तरफ माननीय विधायक और मंत्री, ये मुद्दा उठा रहे हैं ये बुद्धिजीवी, ये फिल्म मेकर्स। ये बुद्धिजीवी सरकार की जवाबदेही तय करना चाहते हैं, वो सरकार से कह रहे हैं कि आप माहौल पर कंट्रोल कीजिए, मगर इसके जवाब में ये जो फौज आई है जिसके मुखिया प्रसून जोशी हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो सरकार को बचा रहे हैं, वो बचा रहे हैं सरकार को, और सरकार को बचा ही नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ बेवजह मोदी जी को उसमें घसीट रहे हैं, बेवजह घसीट रहे हैं मोदी जी को। इसके अलावा जो फर्क आपको समझना होगा वो ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि साहब जब हिंदुओं के साथ कुछ बुरा होता है तब ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। ये लोग क्या मुद्दा उठा रहे हैं मैं आपको बता दूं, ये लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जब अखलाक के हत्यारों के शवों को तिरंगे में लपेटा जाता है, जब मॉब लिंचर्स को जयंत सिन्हा जैसे पूर्व मंत्री सम्मानित करते हैं तब इन्हें आपत्ति है, मगर दूसरी तरफ जब कोई मुसलमान मंदसौर में या दिल्ली में किसी हिंदू लड़की का बलात्कार करता है तो उस मुसलमान के पक्ष में कोई भी मुसलमान रैली नहीं निकालता, जब कुछ भटके हुए मुसलमान हमारे एक मंदिर में तोड़फोड़ करते हैं तो उसी इलाके के मुसलमान सड़क पर उतर के आते हैं और कहते हैं कि हम जो मंदिर टूटा हुआ है उसकी मरम्मत करेंगे। फर्क यह है, अगर उन बलात्कारियों उन हत्यारों के पक्ष में कोई समुदाय उतर कर आता या कोई राजनेता उतर के आता तब इन चाटुकारों की बातों में वजन होता। एक और मिसाल, उस 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था, कठुआ याद है ना आपको, उसके बलात्कारियों के पक्ष में कौन आया था मैदान में, किसने रैलियां निकाली थी, बीजेपी के मंत्रियों ने रैलियां निकाली थी कि नहीं निकाली थी। ये लोग यही मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि जब सरकारी स्तर पर जय श्री राम के नाम पर जो हुंडई है उससे बढ़ावा मिलेगा, जब उसे मुख्यधारा की मीडिया सही ठहराने की कोशिश करेगी, दिक्कत वहां होगी। और समाज में इस वक्त दोस्तों यही हो रहा है और यही आपत्ति इन लोगों को है। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं और ये ढेरों मिसालों के जरिए ये लोग मेरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, मेरे राम को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ना धर्म की सोच ना राम की सोच, सर्वधर्म संभाव वसुदैव कुटुंबकम, यह है मेरे हिंदुत्व के, मेरे हिंदू धर्म के पीछे की नींव, उसकी रीढ़ कि पूरा संसार मेरा परिवार है, सभी धर्मों को लेकर समान सोच, यह है असली हिंदुइज्म, जो ये लोग नहीं समझेंगे। ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि देखिए इनके जहन में राम थोड़े ना है, इनके जहन में सिर्फ राम के नाम का इस्तेमाल करके सियासत करना है। और ये जो 62 लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि साहब गैर वाजिब है उन लोगों का खत लिखना, ये लोग कौन हैं, इनकी पूरी फहरिस्त देखिए, इनका वजूद इस सरकार पर निर्भर है। इनमें से अधिकतर लोग वो हैं जिनकी आज नौकरियां चल रही हैं बीजेपी की वजह से, जिनकी फिल्में बन रही हैं बीजेपी की वजह से, जो सेंसर बोर्ड में चेयरमैन बने हुए हैं बीजेपी की वजह से, इनके पति ब्यूरोक्रेट हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में और इनको अपनी नौकरियां बचानी है, इन्हें अपना वजूद बचाना है। ये विवेक अग्निहोत्री 2014 से पहले क्या बातें करता था, आप जाके देखिए इसके ट्वीट्स को, किस तरह की बातें करते थे। गुजरात दंगों को लेकर इस आदमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी, आज इनका चाटुकार नंबर एक बना हुआ है। और मेरे जैसे लोग या अनुराग कश्यप, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल जैसे लोग, इन्होंने तो हमेशा व्यवस्था के बारे में सवाल उठाया है ना। अब अनुराग कश्यप जवाब देगा विवेक अग्निहोत्री का? अनुराग कश्यप वो शख्स है जिसने ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्म बनाई थी,
जिसे 3 फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। और मैं ब्लैक फ्राइडे का क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे के पीछे कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र था। तो तुम अनुराग कश्यप पर यह आरोप कैसे लगा सकते हो कि वो जो मुसलमान है या हिंदुत्व को बदनाम कर रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है? अपने इस दोहरे मापदंड को अपनी जेब में रखो, समझे? हकीकत तुम्हारी क्या है हम सब समझते हैं। तुम हो सत्ता के चाटुकार, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाय दोस्तों, मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।